हेलो एंड आई वेलकम टू स्टूडेंट कबरी. दिस इज आर्शी खान. अनदर वीडियो जिसमें मैं दो कॉलेजेस को कंपेयर करने वाली हूँ. वैसे तो यू नो डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की लिस्ट में 5 कॉलेजेस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट में 10 कॉलेजेस होते हैं एंड कुछ की लिस्ट में 15 कॉलेजेस होते हैं. हम कहीं ना कहीं उनको कट करते 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 डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है. बट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है जब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कहाँ जाऊँ. एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव स्टार्टेड दिस सेक्शन कॉल्ड कंपैरिजन, जहाँ पे मैं 2-20 स्कूल्स को कंपेयर करती हूँ और इसमें हम ज़ाइम वर्सेस IFIM बैंगलोर को कंपेयर करने वाले हैं, जो दोनों ही बैंगलोर में लोकेटेड हैं. अगर मैं ज़ाइम की बात करूँ, तो 1991 का कॉलेज है, प्राइवेट है, AICT अप्रूव्ड है. वेरस अगर दूसरी तरफ मैं IFIM की बात करूँ, 1995 का कॉलेज है, प्राइवेट है और AICT अप्रूव्ड है. अगर मैं ज़ाइम की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज़ के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है अगेन. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि ज़ाइम जो है PGDM ऑफर करता है, वेरस अगर हम IFIM की बात करें तो MBA भी ऑफर करता है एंड PGDM भी ऑफर करता है. तो PGDM का फीस स्ट्रक्चर 16 लाख रुपीज़ है, जिसमें 1 ईयर का हॉस्टल एंड अकोमोडेशन इंक्लूडेड है एंड फॉरन एक्सपोजर इंक्लूडेड है. वेरस अगर हम बात करें MBA की, तो MBA जो आपको 8-10 लाख रुपीज़ के बीच में पड़ता है. बाकी एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर आप कॉलेज की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग कैट, जैट, सीमैट. दो IFIM सीमैट एक्सेप्ट नहीं करता है, वो मैट के थ्रू लेता है, सीमैट नहीं एक्सेप्ट करता है. बट अगर हम कैट की बात करें तो 70 के आसपास का परसेंट कट ऑफ है इंक्लूडिंग IFIM, और अगर हम मैट की बात करें तो 80-85-90 के आसपास का कट ऑफ जाता है दोनों कॉलेजेस का. दोनों ही काफ़ी रेप्यूटेटेड कॉलेजेस हैं. अगर मैं बात करूँ की बात करूं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नोन इंस्टीट्यूशन. एंड अगर मैं IFIM की बात करूं तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नोन इंस्टीट्यूशन. व्हेन इट कम्स टू IFIM, ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी PGDM कराता है. IFIM के पास इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन बहुत सारे व्हेन इट कम्स टू टाइप विद द यूनिवर्सिटीज ग्लोबली. सो उनका करिकुलम एक्सपोजर इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू फ्यू स्पेशलाइजेशन नोन एज फाइनेंस. व्हेरस अगर मैं ज़ाइम की बात करूं तो ज़ाइम भी काफी नोन है अगर हम बैंगलोर जैसी लोकेशन में बात करें. बट अगर हम चीज़ों को कंपेयर करें तो एक्सपोजर दोनों ही कॉलेज का अच्छा है, दोनों की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, दोनों की रैंकिंग बहुत अच्छी है. अगर हम इस लेवल पे कंपेयर करें तो आप ये नहीं कह सकते कि यू नो ये कॉलेज ज़्यादा नोन है, ये कॉलेज कम नोन है. बट अगर हम प्लेसमेंट वाइज कंपेयर करें तो जेवियर्स का जो प्लेसमेंट है, 7 लाख एवरेज क्लेम कर रहे हैं एंड हाइएस्ट जो है 16 लाख रुपीज़ क्लेम कर रहे हैं. 94% प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं. वेरस अगर हम दूसरी तरफ बात करें IFIM की, तो IFIM जो एवरेज क्लेम कर रहा है वो 7,50,000 का है एंड जो हाईएस्ट क्लेम कर रहा है वो 19,64,000 का है, जिसमें 177 कंपनीज आई थी और 98 नई कंपनीज थी. अगर मैं बात करूं IFIM की, अगर मैं बहुत सारे कॉलेजेस की बात करूं तो हर कॉलेज में मार्केटिंग के लिए तो प्लेसमेंट्स मिल जाता है, बट देयर लाइक फ्यू इंस्टीट्यूशंस जहां पे फाइनेंस के लिए भी प्लेसमेंट्स मिलता है. तो IFIM इज अमंग दोज इंस्टीट्यूशंस जहां पे फाइनेंस के लिए भी काफ़ी प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट है 6 लाख रुपए, बट अगर हम उसकी फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस का आपको प्लेसमेंट उसका मिलेगा 4.5 का, 5 लाख रुपीज का. बट वेन इट कम्स टू IFIM, यहाँ पे आपको फाइनेंस के प्लेसमेंट्स भी, इवन HR के प्लेसमेंट्स भी मिलेंगे. तो अगर हम दोनों के प्लेसमेंट वाइज कंपेयर करें तो डेफिनेटली प्लेसमेंट थोड़ा सा IFIM का ज़्यादा है, बट अगेन फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है. बिकॉज अगर आप ज़ाइम की बात करो तो वो ऑल एंड ऑल आपको 13-14 के आसपास पड़ेगा मैक्सिमम, और वेरस यहाँ पे 16 के साथ साथ अगर आप एक साल का एकोमोडेशन और लोगे तो वो 17-18 लाख रुपीज़ के आसपास जाएगा. बट अगेन इसमें फॉरन एक्सपोजर भी है, ज़ाइम के अंदर भी कुछ फॉरन एक्सपोजर है अगर मैं आपको बताऊँ तो, वो भी ऑफर करता है. बट अगेन थोड़ा सा फीस ज़ाइम का IFIM का ज़्यादा है. बट अगर आप MBA से कंपेयर करेंगे तो MBA के हिसाब से आई थिंक यू नो IFIM के रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ज़ाइम. बट अगर आप PGDM से कंपेयर करेंगे तो जस्ट दैट फी स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो उस हिसाब से यू नो ज़ाइम का ROI अच्छा निकल सकता है. बट अगर आप फाइनेंस देख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आपको एनी कोई कंपेरिजन करने की जरूरत है. यू कैन गो विद IFIM. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप दूसरी स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं तो यू नीड टू जस्ट एनालिसिस कि आपका दोनों तरफ क्या यू नो पैकेजेस आ रहे हैं, क्या कंपनीज हैं, क्या प्रोफाइल्स ऑफर कर रही हैं. अभी
recently I was having a conversation with a student who studied in a college in Pune. He got two placement opportunities. The first package was around 6.57 lakh ka, and dusre student ka jo package tha wo usi student ko jo dusri company ne package offer kiya tha wo 5 lakh rupees ka tha. So I asked the student ki aapne tumne kaun sa placement liya, to he said 5 lakh rupees ka. I said why so? So he said ki jo company ka value tha wo bahut zyada tha, to mujhe aisa laga ki agar main is company mein jaunga to future mein mere paas opportunities zyada hai. To ye bhi ek bahut important role hai, profiles and यू नो कंपनी. तो ये एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी कि लेट्स से आपको 7 लाख का पैकेज मिल गया, बट यू नो वो जो कंपनी है वो इनिशियल ग्रूमिंग कंपनी है, सेल्स का प्रोफाइल है. तो ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. और अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो यू कैन रीच आउट टू द नंबर, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद आवर काउंसलर्स हु विल टेल यू दैट हाउ यू कैन चूज अ बी स्कूल वाइसली. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. And for more such video, you can subscribe to the channel and hit the bell icon right next to it. अगर किसी topic पे किसी college को compare कराना है तो यार comment section पे जाके आप post कर सकते हो. I'll definitely make a video on that particular college or comparison. Till then, stay tuned.